किसी भी बॉयज या फिर मेंस को अपने बॉडी के ऊपर हेयर्स अच्छे नहीं लगते और ये आपको अगली भी दिखाती है। बट जहाँ पर बारी आती है एंशिएंट टाइम की, वहाँ पर मेंस के बॉडी के ऊपर अगर हेयर्स रहते तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर लगते थे। गजब बेइज्जती है। बॉडी के ऊपर हेयर रहते हैं तो जो आपने जिम में पसीना बहाकर अपनी बहुत ज्यादा मस्कुलर बॉडी बनाई है तो वो भी इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती है। अगर आपकी बॉडी मस्कुलर नहीं है तो भी आपको अपने बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं रखना चाहिए और इससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस होगा और वहां पर से बहुत ज्यादा बदबू आएगी। तो सेकंड जो प्रॉब्लम होगी आपको वो है फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो थर्ड है उसमें आपको आपकी बॉडी में इचिंगनेस होगी और आपके अंडर आर्म से डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कौन सी चीज से आपके हेयर्स को रिमूव करना चाहिए और कौन सी चीज से नहीं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और मैं हूँ हर्षवर्धन। अगर आपको भी आपका बेस्ट वर्जन बनना है या फिर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप स्टाइलिंग विद हर्षवर्धन को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं वहां पर भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रील्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कभी भी अपने हेयर्स को रिमूव करने के लिए इन टूल्स का यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आता है ट्रिमर। अगर आप ट्रिमर का यूज करते हो अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए तो इससे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आपको कभी भी रेजर का यूज नहीं करना अपनी बॉडी के ऊपर क्योंकि अगर आप रेजर का यूज करते हो तो उससे आपके फॉलिकल ज्यादा ठीक हो जाते हैं और इस कट्स लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जिससे आपको हेयर रिमूवल नहीं करना चाहिए वो है वैक्स, क्योंकि अगर आप वैक्स से हेयर रिमूवल करते हो तो इससे बहुत ज्यादा पेन होता है और ये पेन वही जान सकता है जिसने कभी वैक्सिंग कराई हो। कौन है ये लोग? फोर्थ जो आपको यूज करना है वो है वीट हेयर रिमूवल क्रीम। ये दो टाइप्स में आता है, एक तो आता है आपकी नेचुरल स्किन के लिए और एक आता है सेंसिटिव स्किन के लिए। आपके जो भी स्किन टाइप है आपको वही सिलेक्ट करना। इसको अप्लाई करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको इसको 24 घंटे के पहले अपने हैंड्स के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर किसी भी स्किन टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही उसके बाद ही आपको अपने अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर इसको यूज करना है। और आप इसको यूज कर सकते हो अपने चेस्ट एरिया पे, अपने अंडर आर्म्स में, अपने हैंड्स के ऊपर और अपने लेग्स के ऊपर। और इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा आपको इसको कैसे यूज करना है। फर्स्ट आपको इसको अप्लाई करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी बॉडी क्लीन रहनी चाहिए और ड्राई रहनी चाहिए। सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको जो वीट हेयर रिमूवल क्रीम है उसको आपके जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे से आपको हेयर रिमूव करना है वहां पर अच्छे से तरीके से अप्लाई कर देना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको स्टेपलर की मदद से इसको रिमूव करना है, इससे आपके हेयर्स बहुत ज्यादा इजिली रिमूव हो जाए। जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको अपनी बॉडी को कोल्ड वाटर या फिर लिप बॉम वाटर से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अवेलेबल रहता है। और इसको आपके जो बॉडी के ऊपर लगाए रखने का टाइम है वो आपके हेयर्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपकी हेयर्स बहुत ज्यादा ठीक है तो आपको इसको 5 से 10 मिनट से ज्यादा भी रखना पड़ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।